जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर मारामारी विगत लंबे समय से चल रही है। अस्पताल में आने वाले हर मरीज के परिजन को ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद जुटानी पड़ रही है। ऐसे में शनिवार को एक ऐसी घटना घटित हुई जिसमें ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे परिजन द्वारा जैसे ही नीमच जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी आई, वैसे ही सिलेंडर खाली करने के दौरान एक व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती गाड़ी में से सिलेंडर उतारकर अपने परिजन को लगा दिया गया। जब सिलेंडर की व्यवस्था देख रहे प्रभारियों द्वारा उसे रोका गया तो मौके पर विवाद की स्थिति बन गई। प्रभारी द्वारा उक्त घटना की सूचना सिविल सर्जन डॉक्टर बीएल रावत को आबकारी अधिकारी अनिल सचान को दी, जिस पर उपरोक्त दोनों अधिकारियों द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया। घटना के पश्चात एसडीएम एसएल शाक्य ने सिविल सर्जन डॉक्टर रावत, जनपद पंचायत सीईओ मोनिशा शिंदे, तहसीलदार अजय हिंगे, आबकारी अधिकारी अनिल सचान, खाद्य अधिकारी संजीव मिश्रा, कैंट थाना अतिरिक्त प्रभारी सुमित मिश्रा के साथ आवश्यक बैठक ली। बैठक में यह तय किया गया कि नीमच में जब भी ऑक्सीजन सिलेंडर की गाड़ी आए तो भविष्य में पुनः इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसके लिए पुलिस व्यवस्था सिलेंडर की गाड़ी से सिलेंडर उतारने व स्टाफ रूम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर एसडीएम ने विभिन्न अधिकारियों को दायित्व सौंपा। उपरोक्त मामले में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था देख रहे प्रभारी गगन पहाड़िया ने बताया कि जिला अस्पताल में काफी समय से सिलेंडर उतारने का कार्य उनके द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा था, परंतु शनिवार को सिलेंडर उतारने के लिए नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों को स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश पर रखा गया था। उन्हीं में से एक कर्मचारी के परिजन का उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा था जिसे ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। ऐसी अवस्था में बिना किसी से कुछ कहे उपरोक्त कर्मचारी द्वारा जबरदस्ती गाड़ी से सिलेंडर उतार लिया गया और अपने परिजन को दे दिया गया। जब उसे ऐसा करने से रोका गया तो मौके पर विवाद की स्थिति बन गई। घटना के पश्चात गाड़ी में से सिलेंडर उतारने का कार्य तत्काल रोक दिया गया और वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया।